तो अभी ये है हुकम चंद जी का परिवार, और बचपन से ही पैदाइश से ये लोग इसी गांव में सिंबलवाड़ी में रह रहे हैं। और इनका जैसे कि इनका कोई पारिवारिक प्रोफेशनल कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, न ही इनका परिवार कोई एक इंडस्ट्रियल फैमिली से बिलोंग करता है, न इनका इतना कोई अच्छा ज़मीन है जहाँ अच्छा खेती बाड़ी हो सके। मैंने गांव देखाया, घर देखाया, और यहाँ पे जब आकाश से जब मेघ गर्जन होगा, जब बारिश होगा, तो ही अच्छा अच्छी तरह अच्छा एक खेती हो सकता है, अन्यथा सूखा भी पड़ता है। तो इन लोगों को खाने का ही नहीं, एक पीने का पानी, एक जैसे आधारभूत आवश्यकता जिसको कहें, तो एक बिजली, पानी और सड़क से आज भी वंचित होना पड़ रहा है। और दूसरी मार इनको, जब इनको पैरालिसिस हुआ, इनका पूरा ही एक साइड का, राइट साइड का पूरा बॉडी पार्ट काम करना बंद कर दिया, तो जो एक परिवार का मुखिया होने के नाते, जो दो वक्त की रोटी के लिए तो पूरा दिन भर मजदूरी किया करते, दिहाड़ी मजदूरी करते थे, आज वो भी कर नहीं पाते हैं। और हालात आप समझ सकते हैं, परिवार किस तरह अपना गुजर बसर कर रहा है। और जैसे तैसे इनके बड़े बेटे, इन्होंने पढ़ाई किया, डबल मास्टर डिग्री किया, और इनकी बहुत अच्छी सुमधुर आवाज़ है, इनके आवाज़ में साक्षात सरस्वती निवास करती हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। तो ये जब कभी भी इनको मौका मिलता है, माता की चौकियाँ बिठाकर, माता की छोटी छोटी भजने गाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं। तो अभी इनसे आगे पूछते हैं, इनका परिवार को अभी तक किस तरह का सामना करना पड़ा, किस तरह मुश्किल इनको मुश्किल घड़ी आई, और कैसे अपना ये जीवन यापन कर रहे हैं। तो भरतराज जी, अच्छा पिताजी को कब से ये बीमारी है, कितना साल हो गया, कैसे शुरुआत हुई, थोड़ा डिटेल में बताइए। सर मेरे पिताजी, अभी जैसे मैं बताऊं कि मेरे पिताजी बिल्कुल यंग है, 50 ईयर्स एज कुछ भी नहीं होती है जी। जब मैं मतलब जवानी था, मैं भी कोई 15-20 साल का था, तो मतलब कोई 19 साल का था, तो पढ़ रहा था जब मेरी ग्रेजुएशन हुई, तो उसके दौरान पापा रोड पे वर्किंग करते हैं, मैंने पहले वीडियो में बताया है जी, कि रोड पे झाड़ किया भी लगाते थे, जैसे परिवार का पालन पोषण करता था। उसके बाद ग्रेजुएट किया मैंने, तो उसके बाद पापा यहीं ज़मीन में काम शाम कर रहे थे, तो उसी हालात में वो अटैक सा हुआ, और अटैक होने के बाद मतलब पैरालिसिस की शिकायत हो गई, जिसके बाद हॉस्पिटल में इलाज कराया, वहाँ अच्छी ट्रीटमेंट नहीं होने लगी। अच्छा, सबसे पहले हॉस्पिटल में आप कौन सा हॉस्पिटल में लेके गए, और डॉक्टरों ने क्या कहा? सर जम्मू GMC है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जी, कुशीनगर जी, वहाँ हम लेके गए, तो पहले तो उन्होंने कहा कि ये अब बचने के हालात में नहीं है, मतलब सीरियस है। अच्छा, फिर बड़ी मुश्किल से कोई एक अच्छा सा डॉक्टर मिला, उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होगा, फिर उन्होंने वहाँ सामने मतलब भर्ती किया हमको, पापा जी को, और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट चालू हुई, पर ट्रीटमेंट अच्छी नहीं मिलती है वहाँ कुछ, क्योंकि ट्रेनर डॉक्टर लगवाए होते हैं और वो अच्छी ट्रीटमेंट नहीं देते, तो उससे मुझे लगा कि वो यही कहने लगे कि इसको घर ले जाओ, उनका यही मतलब था कि ये अब नहीं बचेंगे जी, घर ले जाओ। उसके बाद हमने एक प्राइवेट पैरालिसिस के डॉक्टर थे हमारे पास, इकोनॉमिकल सोर्स बिल्कुल भी नहीं था, हमने उधारी पैसे लिए लोगों से, अपने मतलब किसी किसी से पैसे उधारी लेके, फिर उसका उनको दिखाया, और मुझे थोड़े बहुत बड़ी मुश्किल हुई। अब 7-8 साल हो गए पापा जी को पैरालिसिस हुए, अभी भी ठीक नहीं है उनकी, वो जो बाजू है काम नहीं करती। अच्छा जी, तो अभी अभी उसके कोई दवाई औषधि खा रहे हैं या लोकल? अच्छा ठीक है, पहले ये बताइए कि आप कोई अभी तक उसका मेडिसिन ले रहे हैं अभी? सर मेडिसिन, हाँ सर, नॉर्मली 15-20 हज़ार की, मतलब 15 दिन की दवाई आती थी हफ्ते में, तो सॉरी महीने में 2 बार मेडिसिन आती थी, जम्मू आने से पूरा सीखा है, पहले हम आगे पैसे उधार लेके कुछ काम करना, परिवार से मतलब काम काज करना, भैंस वगैरह रखिए, सारा किया और खिलाते रहे, और फिर काफ़ी मुश्किलें पड़ी, जब पैसा नहीं होने लगा, फिर लोग उधार मांगने लगे कि आपको हमने उधार दिए थे, लोग वापस तो नहीं लौटा सकते थे जी, फिर उस वजह से मेडिसिन बंद भी हुई बीच में, बहुत 1-2 साल बंद रखनी पड़ी, फिर और ज़्यादा अटैक पड़ा, फिर धीरे धीरे करके मतलब, तो अभी चल रही थी मेडिसिन, अभी फिर बंद है। तो जैसा कि इन्होंने, इनके जो बड़े बेटे भरतराज शर्मा जी, इन्होंने कहा है कि महीने में 2 बार मेडिसिन लाना पड़ता था, एक बार मेडिसिन का खर्चा लगभग 15 से 20 हज़ार पड़ता था। आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल इंसान को, एक पैसे वाले इंसान को भी आज के डेट में अगर औषधि खाना पड़े 2000 से 3000 का, तो काफ़ी बड़ा बर्डन लगता है, फाइनेंशियल बर्डन लगता है। परंतु इस परिवार को ये मजबूरी है कि इनको, एक हुकुमचंद जी को ऐसी मजबूरी है, जैसा कि पैरालिसिस अपने आप में एक बहुत ही जटिल बीमारी होती है, और इसके इलाज, इसका ट्रीटमेंट लगभग असंभव है, और इसको फिजियोथेरेपी या एक्सपर्ट के द्वारा ठीक किया जा सकता है, बट दैट इज सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ पेशेंट।
हाँ, परंतु जब एक परिवार को कोई उनका कमाई का कोई जरिया नहीं है, कोई इनकम का कोई सोर्स नहीं है और उनको महीने में 30,000 का दवाई औषधि खाना पड़े तो ये कितनी मुश्किल हो सकते हैं इस परिवार के ऊपर जो गुजर रहा है आप देख रहे हैं। और हालात आज ऐसा है कि वो उनको जो मेडिसिन सेवन करने के लिए पैसा नहीं है, तो आज फिलहाल अभी मेडिसिन बंद है। और भरतराज जी आप बताइए, अभी तक इनको जो है अपनी तरफ से कितना पैसा खर्च हुआ इनके ट्रीटमेंट में, इलाज में आज तक? लगभग 6-7 लाख रुपए मतलब हमारा वो ट्रीटमेंट खर्च हुआ है। काफी पैसे बहुत खर्च हुए हैं, लोगों का घर वगैरह नाभि भी लोगों का उठा देना है, बहुत ज्यादा। जैसा कि ये परिवार ऑलरेडी बीपीएल परिवार से बिलोंग करता है और मैंने जैसे बताया इनका कुछ सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनका कोई खेती बाड़ी ज्यादा नहीं है और इनके घर से कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है और साथ ही कोई प्राइवेट कंपनी बड़े मुलाजिम नहीं है, तो जबकि बोल सकते हैं कि साल में जिनका 20-30,000 भी कमाई इनकम नहीं हो पाता है, अगर उसको 7-8 लाख रुपए खर्च करके इनका इलाज करना पड़े तो ये परिवार किस कंडीशन में हो सकता है, इस परिवार का हालत कैसे हो सकता है, आप समझ सकते हैं। और मैं बता दूं, हुकुमचंद जी इनके साथ में जो इनकी श्रीमती बैठी हुई हैं, अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी रो रही थी, जो मुझे भी अच्छा नहीं लगा और मेरे भी अंदर से मेरा भी दिल रो रहा था, परंतु मैं एक मर्द हूँ तो मैं अपनी जो अंतरात्मा जो रोता है उसके भावना को मैं बाहर प्रकट नहीं कर सकता, मैं कहीं अपना एक साहस बना के उसको रखा क्योंकि मेरे से भी देखा नहीं जाता। और मैं आपको बता दूँ कि सच में कि लोग आज बहुत बड़े दानी हैं, बहुत अच्छे पुण्य के काम करते हैं, परंतु ऐसे परिवार को सच में हमारे देश में संसाधनों की कमी के कारण हो सकता है, क्योंकि आज एक अच्छे घर में रहने का अधिकार इनको भी है, अच्छे स्कूल में पढ़ने का अधिकार इनको भी, इनके बच्चे बच्चों को भी है, और आज एक हाई एजुकेशन ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री करने का अधिकार इनकी बेटियों को भी, इनके बच्चों को भी है, परंतु हालात और मजबूर हैं कि आज इनकी बड़ी बेटी जो है उन्हें 10th करके आगे का पढ़ाई छोड़ दिया है, घर में बैठी हैं, उसके पीछे रीज़न है तो एक ही है कि केवल इनकी माली हालात। तो मैं अभी साथ में इनकी बड़ी बेटी से मैं पूछूंगा कि कहाँ तक पढ़ी है, क्यों पढ़ाई इन्हें छोड़ दिया, आगे पढ़ना चाहती हैं क्या, इनका नाम क्या है, आप बताइए भरत, इनके बड़ी बहन का नाम क्या है? इनका नाम है शालू देवी। हाँ, जब पापा जी काम वगैरह करते थे तो पढ़ाई चल रही थी कंटिन्यू, फिर आपको सबको पता ही है 6-7 बच्चे थे, जब बीमार हो गए तो पढ़ाना मुश्किल, रोटी खाना ही मुश्किल होता, घर में सामान वगैरह लाना 200-300 रुपया जो तेल है ऐसा लाल, इतनी महंगाई, तो फिर बीच में हालात ख़राब हुए तो छोड़ दी पढ़ाई, जितने फीस वगैरह भी होती थी, अभी फीस वगैरह कम है पर अब थोड़ा ब्रेक लगी 1-2 साल की, तो बच्चे का जो माइंड सेट सिस्टम होता वो बदल जाता है, घर में हालात हो खराब हो तो काम करने के लिए कोई नहीं बचता है, जब स्कूल चला जाएगा इंसान तो उसके घर में मम्मी पापा को खाना मतलब रोटी वगैरह बना के देगा, बहुत हालात खराब थे। तो जैसा कि इनके बड़े भाई भरतराज शर्मा जी ने बताया, इनकी बहन ने, मैंने इससे पहले इनसे पर्सनली पूछा था सालू से, उनका मानना था, उनका बोलना था कि मैं आगे पढ़ना चाहती थी लेकिन पढ़ नहीं पाई, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो मैंने उनसे ये एश्योरेंस दिया है, मैं उनको बोला है पर्सनली, उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप अभी कम से कम प्राइवेट से फॉर्म भरें, प्राइवेट से फॉर्म भरने के बाद आगे की पढ़ाई जारी रखें, हालांकि भारत सरकार के द्वारा कई सारे स्कीमें हैं उसके थ्रू उनको ये मिल जाएगा, परंतु एक इंसान होने के नाते तो वो भी मेरी एक बहन और बेटी के बराबर है, तो उसको मेरे से कितना सहयोग होता है पढ़ने के लिए, तो मैं करूँगा, मैंने ये वचन दिया है उनको, शायद वो आगे की पढ़ाई करेंगे। तो दूसरा, जैसे कि देश में कई सारे नेता हैं, कई सारे उद्योगपति हैं, उन सभी से मैं आग्रह करूँगा, कृपया इस वीडियो में देखा गया दृश्य को, इस मर्म को समझें, अगर आपको लगता है कि इनको सहयोग की आवश्यकता है, इनको ज़रूरत है, तो केवल आपके प्यार और आपके सहयोग की, कृपया हाथ खोल के सहयोग करें, दिल खोल के सहयोग करें, हाथ आगे बढ़ाएं ताकि इनको सहयोग मिल सके। और इसी तरह यहाँ के कई सारे
लोकल सरपंच नेता एमएलए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के नेतागण भी होंगे, और जबकि इनके परिवार के बीपीएल कार्ड है। परंतु आज आयुष्मान भारत के तहत हमारे प्रधानमंत्री सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो लॉन्च किया गया, देश के आम नागरिक तक एक स्वास्थ्य बीमा पहुंच सके, उन लोगों को जरूरतमंदों को एक सही उनको स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई सके कराया जा सके, इसी के तहत जो एक योजना लागू करी थी आयुष्मान भारत, इसके तहत भी इस परिवार ने कई बार निवेदन किया, जबकि उसके हकदार हैं, इनके पास ऑलरेडी पहले से ही एक बीपीएल कार्ड है, परंतु कई बार कोशिश करने के बावजूद आज तक इस परिवार को बीपीएल कार्ड नहीं मिल पा रहा है। इससे बड़ी विडंबना, इससे बड़ी कुशासन में जिसको मैं अगर बोलूं, अगर मेरे शब्द में बोलूं तो इसको शासन नहीं बल्कि कुशासन बोला जाएगा, क्योंकि अगर शासन है, अच्छा शासन है, देश में आजकल डिजिटलाइजेशन का जमाना है और ट्रांसपेरेंसी की अगर बात करें हम, तो इनको अधिकार अभी तक क्यों नहीं मिला? ये जबकि बीपीएल कार्ड इनके पास ऑलरेडी है, ये परिवार एक आयुष्मान भारत के जो योजना के अंतर्गत प्रबल दावेदार है, तो इनको क्यों नहीं मिला आज तक? ये मिलना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से, तो मैं यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के नेतागण जो भी इस वीडियो को देखेंगे, उनको मैं आग्रह करना चाहूँगा, कृपया इस बात को जरूर गंभीरता से सोचें और इस परिवार को आर्थिक सहयोग जो भी हो सकता है आप करें, साथ ही इनका जो अधिकार है, सबसे पहला मौलिक अधिकार, इनको जो है इनका अच्छा घर बन पाए और एक अच्छा इनके बच्चे जो ये सारे बच्चे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाए, साथ ही इनको आयुष्मान भारत की योजना के अंतर्गत पहला इनका आयुष्मान कार्ड इनको इस परिवार को मिलना चाहिए।